दोस्तों, जब भी हम लोग अपने बॉडी को बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में केवल दो ही बात आता है, पहला वर्कआउट और दूसरा डाइट। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसी बातें होती है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप अपने बॉडी को जल्दी बनाना चाहते हो तो। क्योंकि जब तक आपको उन बातों के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप उन सब चीजों को गलत करोगे, और आप गलत करोगे तो आपको उसका बेनिफिट कभी भी नहीं मिल पाएगा और लंबे समय तक आपकी बॉडी नहीं बन पाएगी। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिसे हर एक बिगिनर करता ही है। तो हमारी सबसे पहली गलती है कि हद से ज्यादा मास्टरबेट करना। देखिए, जब आप मास्टरबेट करते हो तो आपके बॉडी से स्पर्म एजुकुलेट हो रही है, यानी कि आपके बॉडी के अंदर स्पर्म की मात्रा घट रही है, और अब आपका बॉडी उन स्पर्म को फिर से बनाएगा ताकि उसे स्टोर करके रख सके बर्थ के लिए। लेकिन उसी दौरान अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, तो वर्कआउट करने से आपके मसल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। तो अब आपके बॉडी का दो काम हो गया। पहला, आपने मास्टरबेट किया तो आपके बॉडी से स्पर्म एजुकुलेट हुआ, यानी कि अब आपके बॉडी को स्पर्म भी बनाना है। दूसरा, आपने वर्कआउट किया तो वर्कआउट के दौरान आपके मसल्स में स्ट्रेच आई, छोटी छोटी दरारें आई, और अब आपका बॉडी उन दरारों को भी रिकवर करेगा, आपके मसल्स को भी रिकवर करेगा, यानी कि अब उसके पास दो काम है। लेकिन ह्यूमन बॉडी का एक नेचर है कि अगर उसे स्पर्म भी बनाना है और मसल्स को भी रिकवर करना है तो पहले वो स्पर्म बनाएगा और फिर बाद में मसल्स को रिकवर करेगा। इससे होगा क्या, आपके मसल्स जल्दी से रिकवर नहीं होंगे और आपके बॉडी को बनने में काफी ज्यादा वक्त लग जाएगा। इसीलिए जब तक आप वर्कआउट कर रहे हो तब तक जितना हो सके इस चीज को अवॉइड करें। हमारी दूसरी मिस्टेक है कि सांस को दबाकर और आवाज को दबाकर वर्कआउट करना। आपने ये देखे होंगे कि जो लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं, कराटे करते हैं, तो वे लोग एक स्पेशल आवाज के साथ अपने वर्कआउट को परफॉर्म करते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि वर्कआउट के दौरान ये आवाज निकालना बहुत ही नॉर्मल चीज है, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि जब आप अपने श्वास के साथ वर्कआउट करते हो और साथ ही अपने मुंह से भी आवाज निकालते हो तो इससे होता क्या है कि आपके अंदर जो ताकत है, आपके अंदर जो पावर है, वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा चीज कि आपका पूरा बॉडी, आपका ब्रेन एक्टिव रहता है वर्कआउट के वक्त, और जिससे माइंड मसल्स कनेक्शंस अच्छे से बन पाते हैं और आपका मसल्स अच्छे से ट्रेन होता है। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो कि जब आप लोग वर्कआउट करते हो तो कुछ लोग तो सांस को रोक कर वर्कआउट करेंगे। अगर बेंच प्रेस लगा रहे हैं तो उसको आने देंगे और उसके सांस को रोक के उठा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको हर एक वर्कआउट को अपने श्वास के साथ करना है। साथ ही साथ आप अगर बेंच प्रेस लगा रहे हो तो जब आप बारबेल को उठाओ तो एक स्पेशल आवाज के साथ हट करके ऊपर उठाना है। ऐसा करने से आपका जो वर्कआउट का परफॉर्मेंस होगा, आप विश्वास मानो कि कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाने वाला है। तीसरी गलती है कि पोस्ट वर्कआउट को देर से लेना। देखिए, जैसे ही हम लोग वर्कआउट करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि हमारे बॉडी में जितना भी एनर्जी होता है वो बर्न हो जाती है, और अब हमारे बॉडी को एनर्जी की नीड है, और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे खान पान से, हमारे डाइट से। और इसीलिए हमारा जो पोस्ट वर्कआउट डाइट होता है, यानी कि वर्कआउट के बाद जो हम लोग डाइट लेते हैं, उसे हमें किसी भी तरीके से वर्कआउट के बाद 20 मिनट के अंदर ले लेना है। और दूसरी बात कि आपके पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन का होना बेहद जरूरी है। अब हमारी जो चौथी गलती है वो है ज्यादा खाना। देखिए, हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को अगर अपने बॉडी को जल्दी बनाना है तो हम लोगों को ज्यादा खाना पड़ेगा, और हम लोग यही गलती करते हैं कि हम लोग एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, और जिससे क्या होता है कि वो जो खाना हम लोगों ने खाया है वो ठीक से पचता नहीं है और वो सड़ने लगती है, और सड़ी हुई किसी भी चीज से आपको न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं सकते। और इससे होता क्या है कि आप बहुत खाने लगते हो लेकिन फिर भी आपके बॉडी में जरा सा भी उसका कुछ भी नहीं लगता है। और इसीलिए आपको ज्यादा नहीं खाना है बल्कि ज्यादा बार खाना है, यानी कि पहले आप अगर 3 वक्त खाना खा रहे थे तो अब आपको उसी खाने को छोटे छोटे भाग में तोड़ देना है और उसे 5 टाइम में पूरे दिन में खाना है। तो अब हमारी जो पांचवी मिस्टेक है वो है मसाज ना करना और बॉडी में तेल ना लगाना। आप बड़े बड़े पहलवान लोगों को देख लीजिए, वो कभी भी तेल नहीं खाएंगे लेकिन अपने बॉडी में तेल जरूर लगाएंगे, क्योंकि तेल लगाने से और बॉडी का मसाज करने से हमारा जो मसल रिकवरी का प्रोसेस होता है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा तेज हो जाती है। साथ ही साथ हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी तेज हो जाता है, और इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी मसल्स जल्दी रिकवर होती है, बॉडी जल्दी बनने लगती है। तो हर दिन नहीं लेकिन हफ्ते में कम से कम 2 से 3 दिन अपने बॉडी का मसाज जरूर करें
और तेल जरूर लगाएं। अब हमारी जो छठी गलती है वो है कि वर्कआउट के बीच पानी ना पीना। देखिए जब हम लोग वर्कआउट करते हैं तो हमारे बॉडी में जितना भी वाटर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से कम होने लगती है और जिससे कि हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होने लगता है और जो कि हमारे वर्कआउट को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है। और इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वर्कआउट के बीच पानी जरूर पीना है, लेकिन किस तरीके से पीना है वो ध्यान से समझिए। देखिए आप वर्कआउट कर रहे हो, एक से दो सेट कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपको ज्यादा नहीं 2 से 3 घूंट उतना ही आपको पानी पीना है, वो भी खड़े खड़े नहीं बल्कि बैठ कर पीना है। तो अब हमारी जो 7वीं मिस्टेक है वो है वर्कआउट के बाद ना नहाना। देखिए जो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो वर्कआउट के बाद कूल शावर लेते हैं, आइस शावर लेते हैं, क्योंकि अगर आप वर्कआउट के बाद ठंडे पानी से नहाते हो तो इससे आपके मसल्स जल्दी रिकवर होते हैं, साथ ही साथ आपके मसल्स में जो पेन है, जो दर्द है, वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और इसीलिए आपको वर्कआउट के बाद नहाना जरूरी है और जितना हो सके ठंडे पानी से। तो अब हमारी जो 8वीं मिस्टेक है वो है कि वर्कआउट के अंत में स्ट्रेचिंग ना करना। देखिए आप लोगों का जैसे ही वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है या तो आप घर चले जाते हो या फिर अपने बॉडी को रिलैक्स छोड़ देते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपका वर्कआउट जैसे ही कंप्लीट होता है तो वर्कआउट के बाद 5 से 7 मिनट तक आपको अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है, स्ट्रेचिंग अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल्स का जो ब्रेक डाउन है वो और ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाती है और जिससे कि आपका बॉडी उन मसल्स को ज्यादा मात्रा में रिकवर करता है। यानी कि जितना ज्यादा मसल्स ब्रेक डाउन होगा आपका बॉडी उतना ही ज्यादा उसे रिकवर करेगा और आपकी बॉडी उतना ही ज्यादा जल्दी बनेगी। तो ये 8 तरह के मिस्टेक्स थे जिसे अगर आप ध्यान रखते हो तो आप अपने बॉडी को बहुत जल्दी ही ट्रांसफॉर्म कर लोगे, अपने बॉडी को जल्दी ही बना लोगे। तो इसी तरह के हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली वीडियो मैं जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।